आज बनाएंगे अमृतसरी भुर्जी। तो इसके लिए सबसे पहले बेसन लेंगे, ये 4 चम्मच बेसन है। बेसन को सेक लेंगे। बेसन से खुशबू आने लगी है, मतलब बेसन हो गया है। गैस बंद कर देंगे और उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बेसन को एक बॉल में निकाल लिया है। अभी डालेंगे मसाला। धनिया पाउडर है 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च है 1/2 चम्मच, पाव भाजी मसाला है 1/2 चम्मच, किचन किंग मसाला है 1/2 चम्मच, चाट मसाला है 1 चम्मच, कसूरी मेथी है थोड़ा सा डाल देंगे, और ये दही है इसको भी डाल देंगे। दही 1 कप से थोड़ा कम है। सब मिला देंगे अच्छे से मसाले को दही में। पानी भी डालेंगे। मसाले को अच्छे से मिला लेना है। अभी तड़का पैन लेंगे। ये राई तेल है, 1.5 चम्मच राई का तेल लेंगे। तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, गैस बंद कर देंगे। तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच मिला लेंगे अच्छे से। डाल देंगे मसाला में, इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। मसाला रेडी हो गया है, अब बनाएं। ये 4 कांदा है और 5 छोटे टमाटर हैं और थोड़ी सी मिर्ची है। इसको सबको बारीक बारीक कट कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा बटर, हरी मिर्च डालेंगे, कांदा। कांदा सॉफ्ट हो गया है, ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना है। लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है और कांदा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। ये टमाटर है, टमाटर डाल देंगे। ये 2 चम्मच नमक है, नमक डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। टमाटर गल गया है, ये डालेंगे ये मसाला। मसाला को अच्छे से भूनेंगे। मसाला भुन गया है, ये है गरम मसाला, भी डाल देंगे। इसे एक बार भून लेंगे मसाला को। थोड़ा पानी डाल देंगे। मसाला भुन गया है, अभी डालेंगे पनीर। ये 400 ग्राम पनीर है, कद्दूकस किया हुआ। भुर्जी बनके तैयार है। अभी डाल देंगे कोथमीर ऊपर से, 2-4 टमाटो का पीस, 2-4 कांदा का पीस,